हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त शिवम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चक्रवर्ती इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नियॉन बल्ब से नियॉन टेस्टर और लाइन इंडिकेटर बनाना सिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको नियॉन लैंप से इंडिकेटर बनाना सिखाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें एक नियॉन लैंप, 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस, जिसकी कलर कोड ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और गोल्डन है। दो कनेक्टिंग लीड। सिंपली गाइस, तो हमें सबसे पहले नियॉन लैंप को होल्ड कर लेना है। इसके किसी भी एक टर्मिनल पर रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर देना है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा पूरा सर्किट बन के तैयार है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। अब देख रहे हैं गाइस, हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। जैसे कि देख रहे हैं गाइस कि हमारा इंडिकेटर वर्क कर रहा है। हम इसे नियॉन टेस्टर की भांति भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली एक वायर को फेज वायर से फेज कनेक्शन दे देना होगा और दूसरे को हाथ से टच करना होगा, जैसा कि हमारा नियॉन टेस्टर में होता है। इसमें आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि हमने 10 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लिया है। आप इससे कम वैल्यू का मत लीजिएगा, अन्यथा आपको शॉक लग सकता है। आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। इसका सर्किट बहुत ही इजी है। आप इसे इंडिकेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, और इसे आप फेस टेस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस। पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप 1 मेगा ओम से कम का रेजिस्टेंस मत लगाइएगा, अन्यथा आपको शॉक लग सकता है। आप चाहो तो इसे इंडिकेटर के रूप में यूज करो, या चाहे तो आप इसे फेज टेस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं।